नमस्कार, आज हमारे साथ संजय सराफ जी है, जो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पर अपने श्रोताओं के लिए ये बताना चाहते हैं कि वो लोक जनशक्ति पार्टी से नेशनल स्पोक्सपर्सन और यूथ प्रेसिडेंट है। इसके अलावा वो डायरेक्टर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के हैं। हम इनसे आज बात करके इनके एनडीए के बारे में, लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में और स्टेट के सूरत हाल के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। संजय सराफ जी, आप लोग से बात करनी है। थैंक यू। संजय सराफ जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आप लोक जनशक्ति पार्टी, जो एनडीए की एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको बिलोंग करते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए क्या मैनिफेस्टो है, आप लोगों के पास क्या विकास के कार्य लेके जाना चाहते हैं? देखिए, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर की बात है तो वहाँ सबसे मेन चीज़ है मैनिफेस्टो के साथ साथ जो है वो पीस एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक पीस नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से वो इंसाफ नहीं होता है स्टेट के ऊपर। जम्मू रीजन में हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, कश्मीर में भी डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, डेवलपमेंट आज हो भी रही है, लेकिन प्रैक्टिकल शेप में जब तक ग्राउंड जीरो में पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट दिखेगी नहीं। जब एक साइड से एक गन कल्चर चल रहा है, जब तक गन कल्चर का कंट्रोल नहीं होता है, गन कल्चर को किसी भी तरीके से जब तक स्टॉप नहीं किया जाता है, चाहे वो क्या भी पॉलिसीज हो, बट आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड स्टार्ट डायलॉग प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सराउंडिंग में नेबर से बात करने को तैयार है, हम कहते हैं जी हमारा नेबर चाहे सही है गलत है, जैसे वाजपेयी जी कहते थे हम दोस्त बदल सकते हैं नेबर को नहीं बदल सकते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम नेबर को नहीं बदल सकते, अगर हमें नेबर के साथ बात करने में इतनी तकलीफ हो रही है, हम उनसे बात करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लोगों से बात करिए जो आपका अपना है। जब हम कहते हैं ये इंटेग्रल पार्ट है, नेचुरली दिस इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जब इंटेग्रल पार्ट है तो इंटेग्रल पार्ट में आप अपने लोगों से बात करने में क्यों अपने आप को गैप दे रहे हैं? तो हमारा मैनिफेस्टो यही है। जब पिछली बार भी 2008-2010 में हालात ख़राब हो गए थे, हमने पासवान जी को जम्मू कश्मीर में सब जगह घुमाया था, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में जो जो कुछ सेक्शंस है, जिन सेक्शनों की मदद से एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा वैली में, उस पीसफुल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए मैं, पासवान साहब और एक ग्रुप भी आया था नेताओं का पूरा देश से, इवन पिछले होम मिनिस्टर साहब भी थे जब पिछले यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस टाइम भी हम लोगों की मेन कोशिश हर वक्त यही रही है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर कश्मीर वैली में, अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तो जम्मू में भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, जम्मू में भी माहौल अच्छा रहेगा। तो लद्दाख तो ऑटोमेटिकली पार्ट एंड पार्सल दोनों स्टेटों, दोनों हिस्सों का है, एक स्टेट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो तभी तीनों खित्तों में डेवलपमेंट भी दिखेगी और प्रोसेस भी दिखेगी। तो हमारा मैनिफेस्टो वेरी सिंपल है, दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज इज दिस थिंग कि वी वॉन्ट पीसफुल एटमॉस्फेयर, वी वॉन्ट डेवलपमेंट ऑफ द यूथ, वी वॉन्ट द यूथ शुड बी ऑल्सो एंगेज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड थ्रू अदर डायलॉग प्रोसेसेस। संजय सराफ जी, आप सरकार में हैं, एनडीए के बहुत ही प्रमुख अलायंस पार्टनर है, तो पिछले 5 साल से जब से एनडीए का शासन आया है, क्या हम ये कह सकते हैं कि एनडीए कहीं ना कहीं इस शांति वार्ता में या इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो कोई त्रुटि रही है या कहीं ना कहीं फेलियर रहा है, चूँकि आप भी सरकार में हैं? देखिए, फेलियर की बात नहीं है, एनडीए ने भी बहुत कोशिश की, होम मिनिस्टर साहब जितना ज़्यादा, जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी है, जो जितना ज़्यादा वो मेरे हिसाब से कश्मीर में आए हैं, पूरे देश में किसी स्टेटों में इतना ज़्यादा नहीं गए हों, हर जगह हर एक ने कोशिश की है, हर एक कितुम के कोशिश किए, पर अनफॉर्चुनेटली जो एक अलायंस पार्टनर्स थे ये दोनों में जो कोऑर्डिनेशन नहीं रही, उस कोऑर्डिनेशन की वजह से मेरे को लग रहा है कि पीसफुल एटमॉस्फेयर को उतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही हम आपने, हमें ये जानकारी मिली है कि आप स्टेट में सारी सीट्स पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? सारी सीटों पर तो नहीं लड़ने जा रहे हैं, बट वी आर प्लानिंग ऑलमोस्ट मिनिमम 20-25 सीट्स जिस पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, बोथ कश्मीर एंड जम्मू। संजय जी, ये जो अलायंस आपकी है एनडीए के साथ, इस अलायंस में ये अलायंस सिर्फ लोकसभा तक महदूद है, वहाँ तक लिमिटेड है कि आप स्टेट्स में भी इस अलायंस को लेके जा रहे हैं या बिहार में या जम्मू कश्मीर में, जैसे कि आगामी चुनाव में अगर आप 25 सीटें लड़ेंगे तो क्या भाजपा आपको सपोर्ट करेगी इन सीटों में लड़ने में, कि आप स्टैंड अलोन चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भाजपा एक बड़ी पार्टी है, जम्मू कश्मीर में तो नहीं कह सकता, बट आज की डेट में जम्मू कश्मीर में भी बड़ी पार्टी है, गवर्नमेंट में थी वो, तो मेरे को नहीं लगता है अगर वो सामने आ जाती है अच्छी बात है, फिर हम लोग शायद 25 नहीं लड़े, फिर हम लोग डिपेंड करता है कि हमारे जो जो कैंडिडेट स्ट्रांग होंगे इन पर्टिकुलर कश्मीर जोन में, हो सकता है उन सीटों पर वो लोग शायद बातचीत, बट आई डाउट
उन्होंने भी अभी रिसेंटली उनके एक ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी ने बोला है, आई थिंक मिस्टर कोल साहब इज देयर, उन्होंने अभी कश्मीर में बोला है हम 87 सीट्स पर लड़ेंगे। तो वो अपना 87 सीट पर लड़े, तो हमारा जो अलायंस है वो बिहार में होता है इनके एनडीए के साथ में, और एज वेल एज नेशनल अलायंस इज ऑलवेज देयर टिल वी विल प्लान समथिंग। चूँकि आने वाले समय में आप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बनने जा रहे हैं इस अलायंस के, बाकी अलायंस पार्टनर जो है जैसे शिवसेना है या टीडीपी है, टीडीपी तो उन्होंने मिडवे अलायंस को छोड़ दिया, शिवसेना से भी बगावत के कुछ सुर नज़र आ रहे हैं, तो इस बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, जो टीडीपी ने बिहेव किया या जो शिवसेना का आजकल रुख है, अकालियों के साथ भी कुछ सुन रहे हैं कि खिटपिट हो रही है भाजपा की, तो इस बारे में कुछ आप अंदर की जानकारी दे सकते हैं? देखिए उसमें I don't doubt for any other thing. I feel it is, routine process at the time of election. जब भी election का time आता है तो it is always routine process. जब हम लोगों ने भी अभी recently 7 सीटें मांगी थी तो वहाँ से 4 सीटों पर बात हो रही थी, तो उस time हमारी भी बात बहुत बाहर निकली। मेरे को लगता है शिवसेना will come back. शिवसेना का कभी alliance आज तक हुआ नहीं है, ना कांग्रेस के साथ alliance होगा, ना उनका शरद पवार साहब के साथ alliance होगा, तो उनके लिए भी रास्ता भाजपा ही है और दोनों का गोल एक है, वो भी वही मांगते हैं, वो भी वही चाहते हैं, ये भी वही चाहते हैं। नहीं, कुछ बदले हुए सुर नज़र आ रहे हैं आजकल दोनों नहीं, नहीं, कोई बदले हुए सुर तो चलते, मैंने वही बात की ना, जब अलायंस और इलेक्शन की प्रोसेस होती है, जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो उस टाइम 19-20 चलती रहती है, खटपट होती रहती है, क्योंकि समटाइम समवेयर वी फील इट्स ए प्रेशर टैक्टिक्स। एज पर टीडीपी इज कंसर्न, तो टीडीपी की अपनी खुद की बहुत कमजोरियाँ, आपने अभी रिसेंटली देखा होगा वहाँ पर तेलंगाना जो उसका सराउंडिंग स्टेट्स है जहाँ उसकी अच्छी पकड़ थी, वहाँ वो अपनी सीट नहीं ला सका, कांग्रेस को कुछ सपोर्ट नहीं दे सका, तो आई डाउट कि कोई ऐसी चीज़ कोई बड़ी बात तो नहीं है। टीडीपी निकला, आई डोंट फील कि उसके बदले टीडीपी निकलते ही हमारे साथ तो नीतीश कुमार जी आ गए, एक स्टेट में गवर्नमेंट आ गई, तो आई डोंट टेक सो सीरियस दीज थिंग्स। एंड एट द टाइम ऑफ अलायंस वेन एवर वी सिट फॉर अलायंस थिंग्स डू हैपन लाइक दैट, दीज आर स्मॉल थिंग्स टू काउंट। अच्छा संजय जी, अभी चिराग पासवान जी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट यूथ लीडर है आपके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाजपा को हिंदुत्व के एजेंडा को साइडलाइन करके बेसिक डेवलपमेंट, बेसिक विकास की बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मतलब हिंदुत्व का एजेंडा था भाजपा उसको लेकर आज तक मतलब राजनीति करती आ रही है, इसको साइडलाइन करने का मतलब चिराग पासवान जी का क्या तात्पर्य है, उनका क्या मतलब है? देखिए हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अगर कंफर्टेबली पूरे देश के सामने आ जाए वोट मांगने के लिए, तो जब जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमारी पार्टी भी कहती है सबका साथ सबका विकास, जो एनडीए में हमारा सबका जो एक एजेंडा बन जाता है, एज़ पर दैट एजेंडा वो चले, बाकी बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजिकल थॉट्स क्या है वो हम लोग रोक नहीं सकते, लेकिन चिराग जी ने उनको एक मशवरा दे दिया है कि जो एनडीए अलायंस का एक व्यू पॉइंट है वो है डेवलपमेंट का, विकास का, तो विकास और डेवलपमेंट को अगर हम लेके चले उस वो विकास और डेवलपमेंट में क्लियर दिखता है सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ ऐसे एजेंडा ले जाए जिससे हमारे अलायंस पार्टनर भी, इनके अलायंस पार्टनर भी थोड़े से एलर्जिक हो जाए और अनकम्फर्टेबल समझे। मैं समझता हूँ कि इनको आज की डेट में वही एजेंडा लेना चाहिए जो देश के प्रति, देश के लिए प्रॉपर हो, क्लियर हो, जिसमें देश का हर एक साथी, हर एक देशवासी उसको वेलकम करे। संजय सराफ जी, वापस हम जम्मू कश्मीर राज्य पर आना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य में आप कश्मीर में भी बहुत काम करते हैं, हम आपको कम्प्लीटली फॉलो करते हैं, कश्मीर में भी आपने बहुत काम किया हुआ है, खासकर आपकी हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसके अलावा आप आजकल जम्मू में भी बहुत सक्रिय है, जम्मू में भी बहुत काम कर रहे हैं, तो दो अपोजिट नैरेटिव्स है, एक कश्मीर में एक जम्मू में, इन दो नैरेटिव्स को कैसे बैलेंस कर पाते हैं आप, और दोनों मतलब कश्मीरी पंडितों के भी और कश्मीरी मुसलमानों के भी आप बहुत चहेते हैं, ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? देखिए सबसे बदकिस्मती है कुछ पॉलिटिकल सर्कलों ने कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम के बीच में जो गैप लाई है उस गैप को हम कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने के लिए। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं अकेला उस गैप को ख़त्म तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेन चीज़ है मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि जब कश्मीर में मैंने स्टार्ट कर लिया, हमारे यहाँ हबकदल एरिया में एक मंगलेश्वर मंदिर है, वो 20 साल तक नहीं खुला था, मैंने जब उसको खोलने की बात की तो मैंने अपने साथ में कश्मीरी मुसलमान भाइयों से बात की, वो मेरे साथ में खड़े हो गए। हमने दशहरा का प्रोग्राम किया, उसमें भी वहाँ की मेजॉरिटी खड़ी हो गई। हमने गणपतियार में जो गणेश जी का मंदिर है उसमें हवन कर दिया, इतने सालों बाद उसमें भी कश्मीरी पंडित
के साथ साथ कश्मीरी मुस्लिम भाई भी खड़े हो गए। हमने एक जुलूस निकाला जो जन्माष्टमी को हम निकालते हैं भगवान लॉर्ड कृष्णा का, तो जब हमने वो भी निकाला पूरे सिटी में से निकाला तो पूरा कश्मीर का वैली साथ में था। तो मैंने एक बार जब इनिशिएटिव इसके बगैर में हमने जो वहाँ पर बच्चों के लिए बात की है, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करने की बात की है, इवन ओपनली बीइंग एन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैंने खुलकर बोला है कि जो बच्चे हमारे दाएँ बाएँ हैं, नो डाउट दे आर नॉट बॉर्न विद गन, दे आर नॉट बॉर्न विद स्टोन, लेकिन अगर वो आज की डेट में गन और स्टोन लेकर है, इसमें प्रॉपर सर्वे करने की ज़रूरत है, इसमें प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो नेचुरली वो सब चीज़ उसके साथ में हमने जब यहाँ पर मैं आ गया तो यहाँ पर जो कश्मीरी पंडितों को टोटली साइड लाइन में छोड़ रखा है, एक पोलिटिकल टूल बना के उनको यूज़ किया जाता है, जब जिस टाइम चाहे एट द टाइम ऑफ इलेक्शन कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट बन जाता है और आफ्टर दैट दे आर नोवेयर। तो हमने नेचुरली उनकी बात की, आई बिलोंग फ्रॉम द कम्युनिटी, तो इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक फॉर द कम्युनिटी आल्सो। जैसे कश्मीरी पंडित का रिलीफ रिहेबिलिटेशन की बात है, कभी अभी तक पॉलिसी हुई नहीं, हमारे ओवर एजड यूथ्स है उनके लिए आज तक कोई कहीं पर क्लियर कोई बात नहीं हो गई। अगर ओवर एजड यूथ्स है तो उनके लिए एक पॉलिसी बनी जो पीएम पैकेज में उस टाइम 12,000 एम्प्लॉयमेंट की बात थी, अभी तक भी 8,000 भी कंप्लीट नहीं हो गए। और मेरे को बड़ी बदकिस्मती से के साथ दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आई एम पार्ट ऑफ द अलायंस, आई एम फ्रॉम द सेम अलायंस जहां पर बीजेपी का मेन रोल है, जो बीजेपी गवर्नमेंट में होके भी ये सब काम नहीं कर सकी। तो नेचुरली ये सब चीज़ों के बीच में जब हम कल भी मैं जैसे जगती में हमारे वायर आई ऑलवेज फील कि जगती का जो एक ग्रुप है वहाँ पर एक छोटा सा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर वहाँ पर लग जाता है तो जो वहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग हैं उन बेचारों की सबकी प्रॉब्लम्स हो गई है पानी की वजह से। जब मैंने ये सब इश्यूज़ उठाए हैं तो नेचुरली हमने कभी भी ये बात नहीं की है कि वहाँ पर डॉक्टर फारूक साहब की तरह कश्मीर में एक बात बोलो, जम्मू में एक बात बोलो, लद्दाख में एक बात बोलो। हम लोग क्लियर बात कर लेते हैं जो लोगों को ब्रिज क्रिएट करे। और जब हम कश्मीर में वापसी की बात करते हैं तो हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ ही रहना है, वहाँ पर हमें CRPF और BSF के बीच में नहीं रहना है, पुलिस के बीच में नहीं रहना है। अगर हम वापसी की बात कर रहे हैं और कश्मीरी मुस्लिम जब यहाँ पर आता है वो भी यहाँ CRPF BSF को नहीं देखता, वो पहले सबसे पहले जो उसका कश्मीरी पंडित बचपन का दोस्त होता है सबसे पहले उसको फ़ोन करता है, भाई कहाँ पर है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो ये जो एक हमारा प्यार मोहब्बत जो पुराना जिसको हम रियल कश्मीरियत कहते थे, जब कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान की बात करता था, कश्मीरी मुस्लिम कश्मीरी पंडितों की बात करता, उनके तकलीफों की बात करता है, दैट इज़ द रियल कश्मीरियत। उसी चीज़ को हम कोशिश कर रहे हैं कि उस ब्रिज को आगे बढ़ाएं और वो ब्रिज जितना क्लोज हो जाएगा, जितना वो ब्रिज हम दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बनेगा, उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से खुशहाल भी J&K स्टेट होगा और पीसफुल एटमॉस्फेयर मेरे हिसाब से जो व्हाट आई फील पर्सनली, जो मेरा अपना ग्राउंड जीरो पर रिसर्च भी इस चीज़ पर है, जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस नहीं जाता है मेरे को नहीं लगता है कि कश्मीर में उतना ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर उतना जल्दी आ जाएगा। जिस दिन कश्मीरी पंडित को स्पेस वहाँ वापस क्रिएट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वहाँ एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बाग वही होता है जिस बाग में हर एक फूल खिल जाए। अगर एक पूरे बाग में एक ही फूल खिल जाए तो आपने समझना चाहिए उस बाग का माली जो है वो बेईमान है। बाग का माली वही ईमानदार होता है जो हर एक बाग में अपने बाग में हर एक फूल को खिलते हुए देखे और हर एक फूल को पानी डाले। तो मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इस बाग को अगर खिलाना है, जम्मू कश्मीर में जो गैप्स क्रिएट हुई है राजीव फारूक एकॉर्ड के बाद में 1986-87 इलेक्शन के बाद में, उस गैप को ख़त्म करने के लिए मेरे को जो पर्सनली लगता है दिल्ली से बॉम्बे से मद्रास से और किसी को बुला के इट इज़ बेटर बोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ट्राई टू वर्क एट ग्राउंड ज़ीरो। कश्मीरी पंडितों को ही सामने एम्बेसडर बना के कश्मीरी मुसलमानों के साथ बिठाए तो मेरे को लगता है उससे बड़ा कोई ब्रिज नहीं बन सकता है, उससे बड़ी कोई जो गैप ख़त्म नहीं हो सकती है, उससे बड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बड़ी स्पेस नहीं बन सकती है जो स्पेस कश्मीरी पंडित के कश्मीर में जाने के बाद बनती है। बड़ा इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आप संजय सराब जी। इस संदर्भ में अभी आपको याद होगा शायद जब भारत में इंटॉलरेंस की डिबेट जब हुई थी तो अनुपम खेर जी ने इंडिया गेट पर जाकर भारत का परचम और NDA के सपोर्ट में उन्होंने प्रोसेशन निकाला था। पर आज वही अनुपम खेर जी कह रहे हैं कि भाजपा ने इन 5 सालों में कश्मीरी पंडित संप्रदाय के लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है संजय? अनुपम, इसका जवाब तो अनुपम खेर साहब ही ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, बट व्हाट आई फील पर्सनली कि अनुपम खेर साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ दे दिया। उनको चेयरमैन भी बनाया था सेंसर बोर्ड का, वो कैसे छोड़ के आ गए, क्यों छोड़ के आए वो मेरे को नहीं पता। और वैसे भी अनुपम खेर साहब को ये समझना चाहिए, वो पिछले 2 साल से ही कश्मीरी पंडित बना है, पिछले 28 साल में वो कश्मीरी पंडित नहीं था,
वो हो सकता है राज्यसभा वाज्यसभा सीट के लिए कोशिश करा, तो आई समटाइम गेट इरिटेटेड व्हेन सच टाइप ऑफ पीपल दे कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे स्टार्ट गिविंग सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। आई हैव नेवर सीन अनुपम खेर, आई नो हिज स्टेटमेंट्स व्हेन बिफोर 20 ईयर्स ही वाज टोल्ड मिस्टर खेर थिंग्स आर, ही टोल्ड नो आई बिलोंग टू शिमला आई एम नॉट फ्रॉम कश्मीर, नाउ ही फील्स बीजेपी इज इन पावर बीजेपी विल गिव हिम राज्यसभा, तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देर इज नो डाउट फॉर दैट उतना सीरियसली कश्मीरी पंडित को नहीं लिया। मैं खुद कह रहा हूँ I am part of the alliance. I am part of the alliance. This NDA alliance partner, yes. And I am part of the government also. नहीं ले लिया उतना serious, बहुत कोशिशें की गई है, लेकिन कोशिशें कम हुई है। Government of India के पास अभी भी 4 महीने हैं, उनको कोशिश और करनी चाहिए, serious तरीके से कोशिश करनी चाहिए। संजय जी, state में कुछ स्वर निकल रहे हैं ट्राइफर्केशन की, क्वाडफर्केशन की, कि स्टेट को अलहदा कीजिए। हरिओम जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं, ट्विटर पे कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे कह रहे हैं, उसके अलावा बहुत से लोग भी कई बातें कर रहे हैं कि स्टेट को 3 हिस्सों या 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है स्टेट के लिए? ये वही लोग कह रहे हैं जो अपनी स्पेस ढूंढते हैं आप जैसे मीडिया के साथियों के बीच में, जिनके पास स्पेस नहीं है मीडिया में, जिनको कोई ग्राउंड जीरो पर जानता नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही है, एक ही रहेगा। सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर और स्टेट एक है, एक रहेगा और एक ही रहना चाहिए। अगर हम जम्मू कश्मीर और स्टेट को ट्राइफर्केशन में लाएंगे, पंजाब आपका पहले ही खड़ा है, मणिपुर नागालैंड आपका खड़ा है, हमें देश को देखना है, हमें देश के हिस्से नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसी बात करता है, दे आर माइंडलेस पीपल, I am quoting it, they are mindless people if they speak this type of language. I don't support this. I believe in Jammu, Kashmir and Ladakh is a one state and we are one all together. The development of the state should be in all the 3 regions. This is the responsibility of the central government as well as the present honorable governor sahab. And जो ये सब चीज़ें जो बोलते हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है आपके माध्यम से, ऐसी फालतू बातें ना बोले जिससे डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिससे मैसेज गलत जाती है। It was really enlightening to talk to Mr. Sanjay Saraf. Actually, he has poured his heart out in this interview, and Epilogue genuinely thanks from the core of its heart to Mr. Sanjay Saraf for explaining things so vividly and being so outright and so straightforward to us. Epilogue News Network mein baat karne ke liye dhanyawad Sanjay Saraf. Thank you.